हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ राहुल, आप देख रहे हैं आइज़ ऑन द पैराडाइज। सो सुबह हो चुकी है, लगभग 7:30-8 का टाइम है, हम लोग उठ चुके हैं। और रात जो है व्लॉग एंड नहीं कर पाया क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, हम पहुँचे भी बहुत लेट थे, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। हल्की सी बारिश रुकी, फटाफट से हमने अपना टेंट सेटअप किया और अंदर घुसे। जैसे ही घुसे तो भाई थकावट की वजह से ना एकदम से नींद आ गई, मस्त बिंदास सो गए फिर हम। और अब उठे हैं, बाहर के नज़ारे आपको दिखाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मस्त व्यू है जो हमारे आपको मतलब मिस कर रहे थे कि यार पहुँचे हैं और देख नहीं पा रहे कुछ, मतलब कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो अब वो है ना कसर सारी पूरी हो जाएगी, तो बाहर चल के दिखाते हैं आपको बढ़िया से नज़ारा। सो जी, इधर अपनी शुरू हो चुकी है पैकिंग, स्लीपिंग बैग रोल हो रहा है और अभी मैं अपने वाला भी पैक करूँगा। ये जो स्लीपिंग बैग है हमारा -22 वाला स्लीपिंग बैग है कोलमैन का, बढ़िया एकदम मस्त, इसमें नींद आती है, कोई ठंड वंड नहीं लगती है। एंड क्योंकि 11 बजे से फिर से जो है बारिश का दिखा रहा है, हो सकती है, सो बेटर है कि फटाफट हम लोग अपना रैप अप करें और नाकों की तरफ चलते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ बना के अभी ब्रेकफास्ट करके और फिर निकलेंगे। और सामने ये डॉगी सोए हुए हैं मस्त एकदम। ये रात भर उठे होंगे ना तो इसलिए अब इनको नींद आ रही है। ऐसे मस्त सुकून में किसको नींद नहीं आ रही है। अरे बाहर का नज़ारा दिखाते हैं अभी चल के। सो ये है जी अपना टेंट से व्यू, मस्त। ये एप्पल ऑर्चिड्स है और सामने है माउंटेन, ह्यूज माउंटेन, और यहाँ नीचे है रिवर। अभी चलते हैं, बाकी बारिश जो है वो फ़िलहाल दोबारा हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। फटाफट से स्लीपिंग बैग पैक करते हैं भाई, आज तो गीला टेंट ही रैप करना पड़ेगा, तो रैप करके और निकलते हैं फटाफट। हाँ जी भाई लोग, तो हम हो चुके हैं रेडी और बर्तन जो हैं रात वाले जो हैं हम नीचे जा रहे हैं रिवर पे धोने के लिए। और इधर गाड़ी जो है पूरी पैक कर चुके हैं हम, रात को यहाँ पे हमने कैंपिंग की थी। लोकेशन देख लो क्या मस्त है, ज़बरदस्त लोकेशन है भाई, क्या ज़बरदस्त लोकेशन है। और सामने इधर देखो क्लाउड्स क्या मस्त लग रहे हैं। और ये है जी लोकेशन, नीचे रिवर है। तो भाई थोड़े से 360 शॉट्स लिए हैं, थोड़े से ड्रोन शॉट्स लिए हैं, अब चलते हैं गाड़ी के पास। यहाँ से उतरना थोड़ा सा रिस्की है, स्लिप हो सकते हैं,
सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं, बट 11 बजे के बाद दोबारा से बारिश का फोरकास्ट हुआ हुआ है। और ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ गाड़ी पैक करी है और कुछ शॉट्स लिए हैं जो कि आपके आपको देखने को मिले होंगे अभी। सो अब चलते हैं, कुछ पोहा वगैरह कुछ बनाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं आगे। दोनों की जरूरत नहीं पड़ी है। ये ना यहाँ रख दिया था शॉर्ट्स लेते टाइम, क्योंकि हम जा रहे थे नीचे नदी पे धोने के लिए और इसने सारा चाट मारा। इसके इसको ना पहले साबुन खिला देनी चाहिए, साबुन रगड़ देता वो जूने से। चलो अब चल रहे हैं जी नीचे बर्तन धोने। खा लिया बिस्किट? अच्छा खा रहे हो, खा लो खा लो। तो अपने पास बिस्किट पड़े हुए थे, इधर बच्चों को दे दिए हैं और अब चलेंगे नीचे बर्तन धोने के लिए। वो कुत्ता चाट गया ना, अब उसको अच्छे से एक बार किसी साबुन वाबुन से साफ़ करना पड़ेगा। तो साबुन जो है वो अपना बहुत अंदर पड़ा हुआ है, निकल नहीं सकता। तो इनके यहाँ से अभी थोड़ा सा सर्फ लिया है, उससे जाके वॉश करते हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, है भैया ठंडा है, मज़ा आ रहा है? पानी बहुत ठंडा है भाई। उंगलियाँ काम ही नहीं कर रही हैं। तो भैया मज़ा आ गया? अरे हाथ सुन हो गए भाई, देखो ओ भाई पूरे लाल हो गए, तो ऐसा लग रहा होली खेल के आए हो। हाँ हाँ सच में बहुत ज़्यादा ठंडा है, हाथ पूरे सुन्न हो जा रहे हैं, उंगलियाँ चल तक नहीं रही किसी काम के लिए। तो भाई बर्तन वर्तन धुल गए, हाथ हो गए बिल्कुल ठंडे और सुन लाल हो गए जैसे होली खेली है। तो बस अब चलते हैं फटाफट कुछ बना लेते हैं, देखते हैं गाड़ी या तो अगर रिवर के पास अगर ला पाए तो यहाँ ला के बनाएंगे, नहीं तो वहीं ऊपर चल के ही बनाते हैं, पेट पूजा करके निकलते हैं, क्योंकि अभी टाइम जो है वो 11 बज गए हैं और फिर लेट हो जाएंगे यार आगे पहुँचने में। अभी यहाँ से चल के रुकना है अपने को नाको, थोड़ा सा नाको जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी अच्छी लोकेशंस ढूंढ के, और उसके बाद फिर देखते हैं रात को नाइट स्टे वहाँ करेंगे या आगे चलना है, हो सकता है ताबो जाकर के, अभी देखते हैं क्या करना है। हवा बहुत तेज चल रही है, तो
और हम बनाने लगे हैं पोहा। पानी शुरू हो गई है हल्की हल्की सी। वैसे तो 11 बजे का फोरकास्ट था बारिश का, 11:15 हो गए हैं, बादल भी अच्छे खासे आ चुके हैं, हल्की हल्की धूप भी है बीच में। बस ये है कि पोहा फटाफट हम खा लें, उसके बाद ही आए बारिश अगर आई तो। इधर हो रहा जी अपना पोहा रेडी, बढ़िया मस्त एकदम अच्छी खुशबू आ रही है। फटाफट से पोहा खा के और निकलते हैं भाई साहब, क्योंकि टाइम जो है ना वो अपने पास बहुत कम है। हम निकल चुके हैं जी नाको की तरफ। अब रास्तों का प्यारा प्यारा व्यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट साइड पे है एप्पल ऑर्चर्ड्स, बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़ होते हैं मस्त एकदम। अरे ये देखना सामने पत्थर है सफेद, बर्फ है, पत्थर गिर रहा है। कमाल है भाई, तेरे को इतना नहीं पता। एवलांच आया होगा एवलांच आया होगा। ये लेफ्ट साइड ग्लेशियर है जी बर्फ का, ये अभी तक मेल्ट नहीं हुआ, बाकी मिट्टी पड़ पड़ के बहुत काला काला सा हो गया। ये मेल्ट नहीं, ये ऊपर से आया है, तो देखने आया था। हाँ, देख रहा हूँ ना ऊपर से, ड्रोन शॉट्स ले रहा था क्या? हाँ, मैं ऊपर ही था, छींक मारी थी तो आगे नीचे खाली हो रहा हूँ। ऐसा कौन सा ताड़का सूर है तू? खाली भाई, खाली हूँ खाली। साथ में चल रही है जी अपने सतलुज रिवर, बढ़िया लग रही है। पानी बहुत ठंडा था इसका, पानी गीला था ना बहुत ज्यादा, गीले पानी से बर्तन धोए हैं आज हमने, हाथ सुन कर दिए गीले पानी ने। तो भाई यहाँ से पू है लगभग 11 किलोमीटर, और भाई साहब ऊपर देखो नज़ारे, जबरदस्त नज़ारे भाई साहब, क्या जबरदस्त व्यू है। और रोड जो है यहाँ पे थोड़ी सी नैरो हो गई है, ये सारे पहाड़ टूट टूट के ऊपर लैंडस्लाइड आया हुआ, पत्थर आए हुए रोड पे, देख लो भाई साहब जबरदस्त है।
भाई साहब पत्थर देख लो रोड के ऊपर टूट टूट के आए हुए हैं। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं हम पू और डीजल फुल कराते हैं गाड़ी के अंदर क्योंकि थोड़ा सा कम हो गया था और आसपास के नज़ारे मस्त है एकदम। पूरे ऊपर स्नो पड़ी हुई है। हाँ जी सर फुल। आगे पेट्रोल पंप मिलेगा भैया? काजा। काजा से पहले कोई नहीं है? ओके। काजा यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 150। ठीक है फिर तो हमें जेरिकैन फुल कराने की ज़रूरत नहीं है। 150 किलोमीटर जाके यहाँ तक वापस भी गाड़ी अपनी आराम से आ जाएगी तो यहीं आके दोबारा टैंक फुल करा लेंगे। क्या प्यारी लग रही है गाड़ी, मस्त एकदम। और सूर्य देवता भी आ चुके हैं, मस्त धूप अभी निकल चुकी है। ठंड कुछ इतनी कुछ खास फील नहीं हो रही है, सिर्फ ये देखिए हुडी डाली हुई है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो रात को था -2 और गाजा में तो स्नोफॉल हुई होगी भैया, है ना? और इससे नीचे कहीं हुई है? कहाँ पे? चांगो में हुई है। तो रोड पे मिल जाएगी ना? बढ़िया। I'm trying my hardest to find silver in clouds, or pinning them down. I'm finding it's useless 'cause you come to mind at the worst of times. ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है ना, कहीं पे धूप है और कहीं पे छांव, क्या जबरदस्त व्यू है। व्यूज के लिए तो पागल है हम लोग ना, इसीलिए तो यहाँ पे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। मस्त जगह भाई, मस्त अल्टीमेट। भाई साहब ड्राइविंग करते करते शूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये देखो इधर ये भी मेहनत कर रहा है। तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगले ट्रिप के लिए। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम भी अच्छा अच्छा कंटेंट निकालेंगे यार, और अच्छी अच्छी जगह पे आपको घुमाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया लोकेशंस दिखाएंगे, बढ़िया बढ़िया स्पॉट्स बताएंगे जहां आप जाके ओवरलैंडिंग कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, फैमिली के साथ स्टे कर सकते हो। सो फिलहाल अभी हम पू से निकल चुके हैं, डीजल हमने टैंक फुल करवा लिया है, अराउंड 1500 का आया था इसके अंदर। तो अभी हमें पेट्रोल पंप मिलेगा आगे काजा में जाके, काजा यहाँ से लगभग 148 किलोमीटर है। तो अभी फ़िलहाल हम जाके रुकेंगे नाको को एक्सप्लोर करेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि नाको में आज स्टे कर लें ताकि शाम को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, कल एक्सप्लोर कर सकें, और कल दोपहर के टाइम जो है हम लोग निकल जाएंगे वहाँ से और ताबो क्रॉस करके और फिर जाएंगे काजा की तरफ। और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं, और ब्रिज से आप नीचे देखो तो क्या मस्त व्यू आता है। सो जी अभी रुके थे हम डबलिंग में, यहाँ पे हमने कराई है गाड़ी की एंट्री। सो पहले शूट किया था लेकिन वो पुलिस वाले भैया ने बोला कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है तो वो फिर मैंने काट दिया। तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, ज़बरदस्त नीचे रिवर बह रही है और सामने ऊपर जो है स्नो पीक्स नज़र आ रही हैं, ज़बरदस्त। तो भाई मस्त कंटेंट शूट हो रहा है, मस्त एकदम।
तो कंटेंट शूट करने में हम कोई कमी नहीं कर रहे, चाहे हमें एक दिन फालतू लगे चाहे दो दिन फालतू लगे। सो भाई साहब लाइक और कमेंट ये ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, ख़राब लगी तो भी बताओ लेकिन बताओ। ये देखो भाई क्या मस्त क्लिफ हैंगर है, जबरदस्त। बढ़िया एकदम, क्या खतरनाक लग रहा है भाई। पहाड़ देखो यार, फॉर्मेशन चेंज हो गई पूरी। और सामने में वैली का व्यू देखो, feeling a